राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम सुनाएंगे करवा चौथ व्रत कथा। विवाहित महिलाओं का महापर्व करवा चौथ है। ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अपने सौभाग्य के लिए करती हैं। ये व्रत बहुत कठिन होता है। करवा चौथ व्रत महिला को दिन भर निराहार रहकर करना होता है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी लीलावती से उसके सात पुत्र और बीरावती नाम की एक पुत्री पैदा हुई। बीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो बीरावती ने अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया, लेकिन भूख प्यास से वह चंद्रोदय के पूर्व ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर सातों भाई व्याकुल हो गए और इसका उपाय खोजने लगे। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर चंद्रोदय निकलने की सूचना दी तो उसने विधि पूर्वक अर्घ देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु से बीरावती व्याकुल हो उठी। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसी रात को इंद्राणी पृथ्वी पर आईं। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा तो इंद्राणी ने बताया कि तुमने अपने पिता के घर पर करवा चौथ का व्रत किया था, पर वास्तविक चंद्रोदय के होने से पहले ही अर्घ देकर भोजन कर लिया, इसलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। बीरावती ने 12 मास की चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान अनुसार किया तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा। घर आकर बीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र धन धान और पति की दीर्घायु का लाभ मिला। बोलिए करवा चौथ माता की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।